आज हम पुराने स्वेटर से एक बहुत ही सुंदर बूट बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस बूट को बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमें इस तरीके से बेस चाहिए। ये मैंने रबर शीट में से कट किया हुआ है, जो बैग्स वगैरह में भी यूज़ होती है शीट, उस शीट में से कट किया हुआ है। और अगर आपको नहीं मिलता है तो जो मोची होते हैं उनके पास ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये शू के अंदर भी इंसर्ट होने के लिए यूज़ होता है, इसे पतामा बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आपके नियर बाय जो भी मोची है उससे अपने साइज़ की, उसको बोलिए कि मेरे साइज़ की पतामा दे दी जो शूज़ के अंदर डलती है, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने अपने साइज़ की ये पतामा ली है, इसके दो पीसेस, एक राइट और एक लेफ्ट। तो इसके बाद हमें अब क्या करना है, कपड़े में से आपने बनाना है, इसके दो पीसेस कट कर लीजिए बेस के। तो जिसमें से भी आपने बनाना है पहले कपड़े के ऊपर इसे रखिए सीधा, जिस भी कपड़े में से आप बनाना चाहते हैं वुलन स्वेटर में से, इसे इसके ऊपर रखिए और इसके टू पीसेस कट कर लीजिए। मैं इसको मार्क करके इसके टू पीसेस कट कर लूँगी। अब इसे उठा लीजिए। अब आपको इस लाइन पे नहीं काटना है, ये हमारा सेम साइज है बिल्कुल, इसमें आपको 1-1 सेंटीमीटर का इस तरीके से मार्जिन देना है जो हमारा सिलाई में आएगा। तो ये मैंने अप्रोक्सीमेट 1-1 सेंटीमीटर का इसमें मार्जिन दे दिया। ये देखिए मैंने 1 और 2 पीसेस कट कर लिए। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने पतामा कटिंग करी थी, ये एक पतावा इसके बीच में रखी, यहाँ ये रखा, इसके ऊपर जो हमने दूसरा पीस कट किया था ये वाला पीस रखा इस तरीके से। अब इसके चारों तरफ सिलाई मशीन से सिलाई लगा लीजिए, ताकि हमारा ये इसके साइड साइड में यहाँ पे इस तरीके से आप सिलाई मशीन से सिलाई लगा लीजिए, ताकि हमारा ये पीस पतावा और ये तीनों आपस में अटैच हो जाए। ये मैंने इस पर चारों तरफ इसके सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से मेरा बेस ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो बेस रेडी हो गया, अब हम इसके ऊपर के लिए बनाते हैं। रखा, जिस भी पैर का नाप आप बना रहे हैं वो पैर रखा, इस तरीके से एक न्यूज़पेपर लिया और इसका हम रफ मेजरमेंट ले लेंगे। इसे इस तरीके से करिए रख के, जितना भी आप लूज इसे यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली रखना चाहते हैं, लूज टाइट, जितना बड़ा, जितना ये आप चीज़ छोटी और बड़ी रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली इसे इस तरीके से एडजस्ट कीजिए। इस पर एक रफ सा निशान लगा लीजिए। इस तरीके से मुझे इतना चाहिए। अब इसे कट कर लीजिए। ये मैंने कट कर लिया, ये हमारे ऊपर इसके यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा आएगा बूट, इस तरीके से आएगा। अब हम इसके पीछे वाला कटिंग करते हैं। यहाँ से आपको जितना चौड़ा चाहिए उसमें थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा हमारा यहाँ से स्टिचिंग में आएगा, थोड़ा सा नीचे, तो इतनी पट्टी ये रेडी बनेगी। तो इस हिसाब से मैंने ये पट्टी ली है, पट्टी की चौड़ाई और इसकी लंबाई इसके बराबर जहाँ तक ही आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सिलने भी आएगा तो ये आधा सिलने की तरफ चला जाएगा और ये मेरा इस तरीके से बूट बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से ड्राफ्ट कटिंग करना है, ऊपर वाला और साइड वाला इस तरीके से, किसी भी न्यूज़पेपर से या कोई भी पेपर है आपके पास इस तरीके से। तो ये मैंने कटिंग कर लिया। अब आपको क्या करना है, दो पीस इसके और दो पीस इसके, जिस भी स्वेटर में से आप बनाना चाहते हैं सेम साइज के कट कर लीजिए। पट्टी और दो पीस ये सेम साइज के मैंने जिस स्वेटर में से बनाने हैं उसमें से मैंने कट कर लिए। दो पीसीज ये आ गए, दो पीसीज ये आ गए, तो हमारा बिल्कुल ये सारे पीसेज आ गए। अब हमें आगे क्या करना है, सबसे पहले ये वाले पीस को इसके ऊपर रखा यहाँ पे, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए ताकि ये दोनों आपस में अटैच हो जाए। सेम उसी तरीके से ये वाला पीस रखा, इसके ऊपर दूसरा पीस रखा, इसके भी चारों तरफ तीन तरफ सिलाई लगा लीजिए, यहाँ पाइपिंग लगाएंगे। मैंने इसके यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा दी और इसमें भी तीनों तरफ लगा दी। अब ये जो एक तरफ बची है इसमें हम इस तरीके से इसी कपड़े की, जो हमारा बेस है, इस कपड़े की पाइपिंग लगाएंगे इस स्वेटर की। तो ये मैं यहाँ पे रखूँगी, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। और सेम उसी तरीके से ये जो लंबी वाली पट्टी है इस पर भी मैंने एक ब्लैक पट्टी इस तरीके से कटिंग करी है, इस पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसे दूसरी तरफ को फोल्ड कीजिए इस तरीके से, इसे ऐसे फोल्ड कीजिए और जितनी चौड़ी पट्टी आप रखना चाहते हैं बॉर्डर के लिए इस तरीके से फोल्ड करके
इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से इसे भी दूसरी तरफ को फोल्ड करके जितना बॉर्डर आपको चाहिए सिलाई लगा लीजिए। तो इस पे भी सिलाई लगा लीजिए, इस पे भी सिलाई लगा, फिनिश कर दिया यहाँ भी सिलाई लगा के और ये भी सिलाई लगा के। अब ये हमारा यहाँ पे आएगा इस तरीके से, यहाँ पे मैं इसे सिलाई लगाऊंगी और ये वाला हमारा यहाँ पे आएगा देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा बूट पूरा कंप्लीट बनेगा। अब आपको क्या करना है, पहले मैंने एक ये मैंने इस तरीके से रखा, ये मैंने इस तरीके से रखा, तो ये मेरा नाप अप्रॉक्सीमेट एक बार देख लीजिए रख के कि बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब आपको क्या करना है, पहले हम इसे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारा इतना है, नाप लिया मैंने, तो पहले मैं इसे सिलाई लगा लेती हूँ। इसे यहाँ पे रखिए इस तरीके से और ये फोल्ड के फोल्ड करके यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसके और यहाँ पे इसके सिलाई लगा लीजिए, दोनों तरफ सिलाई लगा ली। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा ये बूट की शेप आ गई है, यहाँ पे देखिए पूरी शेप आई। अब इसे हम बस इसके ऊपर जोड़ेंगे और हमारा बूट ये रेडी हो जाएगा। वो कैसे करना है, ये मैंने उल्टी तरफ को किया, ये रखा, इसे रखा और इसके चारों तरफ इसे यहाँ से सेंटर लेके, या तो आप पिनअप कर लीजिए, पिनअप करके तो इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए, या तो आप इसे पूरा पिनअप करके या हाथ से कच्चा कीजिए उसके बाद इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो इसे एक तरफ से शुरू करते हुए पूरा राउंड में इस तरीके से पूरा राउंड में मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो इस पर पूरा राउंड में सिलाई लगा लीजिए, मैंने इस पर पूरे पे सिलाई लगा ली। बस अब आप इसे सीधा कर लीजिए, पूरे बूट को सीधा कर लीजिए। ये मैंने इसे सीधा कर दिया, तो इस तरीके से देखिए प्रॉपर बेस बना है, ये मेरा बूट बिल्कुल रेडी हो गया। बस इसे पैर में डालिए और ये मेरा बूट बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरीके से ये मैंने एक पैर का बनाया, सेम इसी तरीके से आप दूसरे पैर का भी बना लीजिए।